शांति प्रेम खुशी को कार्य व्यवहार में बार बार नहीं लाते, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे अपने संस्कार ही हैं, और इसलिए हम बाहरी व्यक्ति वस्तु वैभवों में शांति खुशी सफलता और प्रेम की तलाश करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, कार्य व्यवहार में अथवा संबंध संपर्क में आते हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को दूर रख अपने आंतरिक सच्चे आत्मिक गुणों को ही प्रत्यक्ष करना चाहिए। आज का जो सेशन है बहुत ही डायनेमिक है आपके लिए, और खास आप भाई बहने आर्ट एंड कल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको वैसे ही डायनेमिक बनाया गया है। आपको बहुत ही एक नया अंदाज मिलेगा सीखने के लिए, और आप जब इसमें जो आपको टेक्निक बताई जाती है कि कैसे विजुअलाइजेशन करना और कैसे आप उसको रियल इफेक्ट से करेंगे तो उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट आप फील कर पाएंगे। जैसे कि आज का हमारा हेल्दी माइंड हैप्पी लाइफ प्रोग्राम है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत मजा आएगा। WHO की एक रिपोर्ट आई है प्रैक्टिकल में कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक मन से रिलेटेड है। मन ने सोचा बीमारी हमारे जीवन में आ गई। एक चैनल है, चैनल में एक समय में या तो आज तक दिखेगा एक चैनल, एक समय में एक टीवी में एक ही चैनल दिख सकता है, या तो आज तक दिखेगा या तो आस्था दिखेगा। तो आपने यदि हैप्पीनेस की कमांड दे दी अपने माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो नेगेटिविटी आएगी? यस और नो? यस और नो? नो, नहीं आएगी। ओके, अभी कोई आ रहा है? प्रॉब्लम आ रही है? कोई थर्ड आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमने क्या किया है, हमारी खुशी को हमेशा आगे बढ़ा दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि हम मुझे ये जॉब लग जाएगी ना तब मैं खुश होऊंगा, मेरे मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। मैं हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उस हैप्पीनेस को आगे ढूंढते हैं, भविष्य में ढूंढते हैं। हैप्पीनेस कहां है? हैप्पीनेस कहां है? फ्यूचर में है या प्रेजेंट में? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? करता है दुखी? क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। हमेशा आप कोई आप गुजरात में जाइए तो आप किसी से भी पूछेंगे ना, तो आप पूछेंगे कि कैम छो, तो वो क्या बोलता है? मजा में। ठीक है, मजे में है, पर रियल में अंदर से पूछो मजे में है? मजे में बोल से कह दिया पर अंदर में मजे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको टेक्निक नहीं आती है कैसे राजयोगा मेडिटेशन से अपन हम हेल्दी माइंड और हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिकल में टेक्निक सिखाना चाहूंगा। आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है फिजिकली, फिजिकली आपको कोई हर्ट कर सकता है, फिजिकली कर सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी यूथ आ जाए, एक भाई आ जाए, कोई भी आ जाइए स्टेज में, कम ऑन द स्टेज प्लीज, आ जाइए प्लीज, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। जैसे भाई हैं, इनको मैं फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता हूं, इनको टच कर सकता हूं, ठीक है, WWF हो सकती है यहां पर, बट क्या मैं इनके माइंड को नुकसान पहुंचा सकता हूं? माइंड को नुकसान पहुंचा सकता हूं? यस और नो? बट कोई कभी कह देता है, कोई कभी कुछ कह देता है और कोई कुछ प्रॉब्लम हमें दे देता है, तो हम अपने माइंड को नुकसान पहुंचाते नहीं पहुंचाते? किसी ने कुछ कह दिया हम तनाव में आ जाते नहीं आ जाते? बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा। एक बार बुद्ध जी मेडिटेशन में बैठे थे, एक व्यक्ति आए जो बहुत बड़े मतलब उस जमाने के बदमाश हुआ करते थे, उन्होंने बुद्ध जी को 1000 गाली दी, बोले आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो। और बुद्ध जी बहुत ही गहरे मेडिटेशन में बैठे हुए थे, और बुद्ध जी जब 1 घंटे के बाद आंख खोलते हैं
तो व्यक्ति आता है, बोले मैंने आपको 1000 गाली दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले आपने दी, मैंने नहीं ली तो किसके पास गए? आपने दिया, मैंने नहीं ली, मैंने नहीं लिया तो किसके पास गया? उन्हीं के पास गया ना। इसी प्रकार माइंड को हम नुकसान, माइंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है पर माइंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान कौन पहुंचाता है? जब इन्होंने कुछ मुझे बोल दिया, इनके थॉट को मैंने रिसीव किया और फिर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं। कहते एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, ठीक है? कौन सी बात निकालना है वो पता है नहीं। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। दादी जानकी जी कहती है एक कान से पॉजिटिव सुनो अंदर डाल दो, निकालना नहीं है, ठीक है? और एक कान से नेगेटिव को सुनना ही नहीं है। जिन्होंने बनाया सेंटेंस रॉन्ग बनाया कि एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, तो गन्ना डालेंगे तो गन्ने का रस निकलेगा, आम डालेंगे तो आम का रस निकलेगा, ठीक है ना? नेगेटिव डालेंगे तो क्या निकलेगा? पर बीच में भगवान ने जो इतना सुपर कंप्यूटर दे दिया, सब प्रोसेसिंग करके अंदर चला जाएगा, बाद में निकालने का क्या मतलब, ठीक है? तो हमें क्या डालना है? पॉजिटिव डालना है। जब बच्चा पैदा होता है तब से 16 साल की उम्र तक इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं, इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं कि 36 घंटे की डीवीडी फुल हो जाएगी। एक नया रिसर्च अमेरिका में आया है, इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं विभिन्न माध्यमों से, टेलीविजन हो गया, उनके मम्मी पापा के द्वारा हो गया, समाचार है, टीचर्स के द्वारा क्या क्या बोला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजू वाले का लड़का देखो कितना पढ़ाई कर रहा है, आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं है, आप कभी टॉप में नहीं आ सकते, आप वैसे हो, आप डफर हो, आप डंकी हो, कुछ भी बोला जाता है। अब वो बच्चा अपने मम्मी पापा को सब कुछ समझता है, अपने मम्मी पापा को भगवान जैसा समझता है अंदर से। जब बार बार वो सेंटेंस उसको बोले जाते हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रिसीव कर लेता है और उसकी प्रोग्रामिंग वैसे ही हो जाती है। जब वो कुछ आगे बढ़ने की सोचता है तो वो मेंटल ब्लॉक, वो जो आपने सेंटेंस दिया है वो उस मेंटल ब्लॉक बनकर उसको ब्रेक करता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को कभी भी नेगेटिव कमांड नहीं देना है, नहीं देना है। यदि आपको कोई नेगेटिव कमांड दे तो क्या करना है, क्या करना है? एक कमांड, एक प्रैक्टिकल करना है, आपको कहना है कैंसल कैंसल, ठीक है भाई साहब? मैं आपको जैसे कहूं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो मन में क्या कहेंगे आप? कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है ना? किसी के सामने नहीं बोलना है, तो हमें किसके सामने बोलना है? माइंड में बोलना है। एक छोटी सी स्टोरी, एक बार मेंढक की रेस होती है, पूरे इंडिया से मेंढक आते हैं, एक से एक धुरंधर मेंढक आते हैं, उनकी रेस होती है कि कौन बड़ा। सारे मेंढक दौड़ते हैं, एक से एक अनुभवी मेंढक होते हैं, तो जो दर्शक मेंढक होते हैं कतार में वो कहते हैं कि आप आगे जाएंगे तो बहुत ऊंची चोटियां हैं, आप गिर जाएंगे, बर्फ है आप गिर जाएंगे, तूफान है आप फंस जाएंगे। पर एक मेंढक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और सफलता के शिखर को वो चूम लेता है, सफलता के शिखर को वो पा लेता है। बाद में उसको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने सफलता के शिखर को कैसे पाया, क्या आंसर होगा उसका? वो मेंढक बहरा था, ठीक है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। यदि आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा। यदि आप नेगेटिविटी से बहरा नहीं बनेंगे, वो अंदर चला जाएगा तो वो प्रोसेसिंग करेगा और आप वैसे ही बन जाएंगे। बन जाएंगे, यस और नो? बन जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, लगाते हैं, सफाई करते हैं। कभी बचपन में किया होगा आपने, किस किसने झाड़ू हाथ में लिया है? रेज योर हैंड, सभी ने लिया है। अच्छा, झाड़ू जब हम कचरा सफाई करते हैं तो कचरा कहां डाला जाता है? आंसर करेंगे, थोड़ा डस्टबिन में डाला जाता। ओके, डस्टबिन में डाला जाता घर से बाहर। ओके, आजकल जो समाचार में, टेलीविजन में ज्यादातर लोग नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं या पॉजिटिव बात ज्यादा करते हैं? तो पॉजिटिव जो नेगेटिव बात है वो कचरा है या अमृत है? अच्छा, जब आपको कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन आपको बार बार नेगेटिव बात सुना रहा है तो वो कचरा है या अमृत? अच्छा, वो आपको जब कचरा दे रहा है तो आप क्या बन गए? क्या बन गए? डस्टबिन बन गए। अब हमारी क्या है, आदत बन गई है, और जो हमें डस्ट देता है, जो हमें कचरा देता है, वो हमारा शुभचिंतक बन गया है। कैसे? हम सोचते हैं कि वो हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है बाहर की। कई तो ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे नगर पालिका के ट्रक होते हैं, पूरे शहर की नेगेटिविटी लेकर आएंगे और आपको समझ गए वो मेरा ही डंप यार्ड है, कचरे का डिब्बा है, पूरा का पूरा कचरे का डिब्बा ट्रांसफर। और आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, पर जब कचरा डाला जाएगा, इतनी नेगेटिविटी डाली जाएगी, इतनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जाएगी, तो आपके माइंड का क्या हाल होगा? माइंड फिर सुमन नहीं रहेगा, अमन नहीं रहेगा, चमन नहीं रहेगा, वो कवाड़ा बन जाएगा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? फिर आप सोचेंगे मैं मेडिटेशन कर लू, इतना मेडिटेशन की शिक्षा दी जा रही है, जब आप मेडिटेशन कर लू कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, तो वो जो नेगेटिव कचरा है वो निकल कर बोलेगा कहां शुद्ध स्वरूप आत्मा है? हा? वो जो नेगेटिव थॉट आएगा क्रिएट करके
उस व्यक्ति ने क्या बोला, उस व्यक्ति ने क्या बोला, आज कौन सी न्यूज चल रही, वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करके बाहर आएगा और आपका मेडिटेशन नहीं लगेगा। तो क्या करना है, कैंसिल करना है और एक मिनट के लिए उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें और एक गहरी लंबी सांस लेंगे और विजुलाइज करेंगे। जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर स्थान में प्रकृति के बीच में विजुलाइज करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। देखें कि आप बहुत सुंदर प्रकृति के एक सुंदर स्थान पर हैं। अपने सामने देखें वे सभी लोग जो आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन रोज रोज ट्रांसफर कर देते हैं, नेगेटिव सूचनाओं से आपको रोज भर देते हैं, जो आपके कोई काम की नहीं है। कौन कौन भी लोग हैं उन सभी के चेहरे को क्लियर रूप में देखें। कौन कौन भी लोग हैं जो आपको रोज नेगेटिविटी से, डस्ट से, कचरे से भर देते हैं, जिनको आज तक आपने अपना शुभचिंतक माना, जो आपके काम की चीज नहीं है वो आपको दे देते हैं। कौन कौन भी लोग हैं, देखें अपने सामने उन सभी लोगों को क्लियर रूप में देखें। और अब उनके सामने आपको क्या करना है, क्लियर रूप में बोल देना है, क्लियर क्रिस्टल फॉर्मेट में बोल देना है कि आज से मैं डस्टबिन नहीं बनूंगा। आई एम नॉट अ डस्टबिन, मैं डस्टबिन नहीं हूं। आप आज से कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे। उनको आप बोल दें, माइंड में बोल दें और उनके सामने आप क्रॉस लगा दें। नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कैंसिल कैंसिल। 5 to 1 काउंट करूंगा, आप आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ओपन योर आईज। सभी ने क्रॉस लगाया, सभी ने लगाया क्रॉस, लगाया क्रॉस, ओके। तो अभी हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, लेंगे नहीं लेना। यदि कोई देता भी है तो उसको क्या करना है, कैंसिल। आज क्या हो रहा है कि हमने अपनी जो भी पावर है हमने दूसरे को दे दी, हमारा जो कंट्रोल है वो दूसरे को दे दिया। कैसे दे दिया है, आज देखिए सपोज ये टीवी है, ठीक है, अब मैं यहां एक बटन प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज हो रही है। इसी प्रकार हम भी एक टीवी है, कोई हमारी कोई बटन प्रेस करता है, सैड की बटन दबाता तो हम सैड हो जाते हैं, हैप्पी की बटन दबाता तो हम हैप्पी हो जाते हैं, हर्ट की बटन दबाता तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो हम टीवी हो गए और बाजू वाले के पास हमारा रिमोट कंट्रोल है, इज इट राइट। किसी ने, पति ने पत्नी को बोला कि आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, कमाल की सब्जी बनाई है, पत्नी का चेहरा खिल गया। दूसरे दिन बोला क्या नमक नहीं डालती हो, क्या करती हो, चेहरा डाउन। रिमोट कंट्रोल किसके पास है, पति के पास है, ठीक है। पत्नी ने किसको दे दिया, पति को रिमोट कंट्रोल दे दिया। यदि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपना रिमोट कंट्रोल किसके पास रखना पड़ेगा, खुद के पास रखना पड़ेगा। यदि आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है तो आप लाइफ में कभी खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो क्या करना है, रिमोट कंट्रोल को अपने पास रखना है। अभी एक और चीज करना है, हाथों को ऊपर करेंगे और आंखों के थर्ड आईज के द्वारा देखेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देखेंगे कि किस किस के पास मेरा रिमोट कंट्रोल है, किस किस के बोल से, किस किस के थॉट से, किस किस के फीलिंग से, व्यवहार से मेरे मन में, मेरे अंदर चेंज आता है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता है। मैं नाराज हो जाता हूं, मैं हर्ट हो जाता हूं, मुझे फीलिंग हो जाती है, मैं लो फील करता हूं। तो उन सभी के पास से अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। लेते जाएं अपना रिमोट कंट्रोल वापस, हाथ उठाकर अपने रिमोट कंट्रोल को वापस लेते जाएं। देखें उन सभी के चेहरे को, कौन कौन भी लोग हैं, उन सभी से अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। किसी को भी सिवाय आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास और परमात्मा के सिवाय किसी के पास भी नहीं रहना चाहिए। ओके, हाथ नीचे। सभी ने रिमोट कंट्रोल ले लिया है, देंगे तो नहीं, किसी को देंगे तो नहीं, पक्का, ओके। कहते हैं कि माइंड में बहुत जबरदस्त पावर है, माइंड में ट्रेमेंडस पावर है, अथाह शक्तियां हैं, बट जब हम अपनी पावर्स को भूल जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो कुछ कर पा रहे थे, कुछ कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। किन्होंने याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया। इसी प्रकार आप सभी हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, बट आप अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तो आज परमात्मा ने मुझे जामवंत के रूप में भेजा है कि आपकी शक्तियों को रिकॉल करना है, ठीक है, आपकी खोई हुई शक्तियों को जागृत करना है, ठीक है। आप इसलिए अपनी एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। कहते हैं देवताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में ठहराया गया
यदि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास ट्रेमेंडस पावर है, अथाह शक्तियां हैं, तो मनुष्य क्या करेगा? हमें कंट्रोल करने लगेगा। एक इंटेलिजेंट देवता कहता है कि ऐसा करते हैं, मनुष्य की सारी पावर को आकाश में छुपा देते हैं। दूसरा कहता है पाताल में छुपा देते हैं। तीसरा कहता है गुफा में छुपा देते हैं। बट एक इंटेलिजेंट देवता जिसका IQ, EQ, SQ बहुत स्ट्रांग था, वो कहता है मनुष्य ऊपर भी जाएगा, मनुष्य नीचे भी जाएगा, मनुष्य पाताल में भी जाएगा, पर मनुष्य खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो सारी पावर उसके अंदर डाल दो। तो भगवान ने सारी पावर कहां डाल दी? माइंड पावर कहां डाली है? हमारे अंदर। हम कहां भाग रहे हैं? बाहर भाग रहे हैं। एक प्रैक्टिकल आपको मैं कराना चाहूंगा कि कैसे आपके अंदर पावर है। प्रैक्टिकल में ना वो फील करेंगे। आंखों को बंद कर लें, जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आप एक ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, एक बहुत बड़ा ग्राउंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप अपने एक बहुत बड़े ग्राउंड में, ग्राउंड में अपने आप को देखिए दौड़ता हुआ। आप दौड़ रहे हैं पर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, बस आपको दौड़ना है। दूसरी कंडीशन, 4 लोगों को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है इनमें से जो टॉप में आएगा उसको एक गोल्डन कप मिलेगा, इनमें से जो टॉप में आएगा उसको एक गोल्डन कप मिलेगा। अब अपनी स्पीड को चेक करिए, आपको एक थॉट मिला, एक लक्ष्य मिला, थर्ड कंडीशन, ग्राउंड में एक खतरनाक लॉयन आ चुका है जिसने अभी अभी 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है और वो आपके पीछे है, 1 फीट पीछे। आप रुके और उसने पंजा मारा। अब अपनी स्पीड को चेक करिए कि आपकी स्पीड कितनी है, अपनी स्पीड को चेक करें कि आप अपनी स्पीड कितनी तेजी से आप भाग रहे हैं, कितनी स्पीड से आप भाग रहे हैं। ओपन योर आईज। कौन से कंडीशन में स्पीड ज्यादा थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? आप तो वही स्पीड कैसे बढ़ गई? स्पीड कहां है? स्पीड कहां है मैडम? स्पीड कहां है? अंदर है। स्पीड कहां है? अंदर है। पावर कहां है? बाहर है। बाहर नहीं है पावर, पावर अंदर है। हम कहां भाग रहे हैं? बाहर भाग रहे हैं। आपके अंदर इतनी जबरदस्त पावर है, वो आप प्रैक्टिकल में फील करेंगे। जो माइंड सोचता है वही शरीर करता है। माइंड में बहुत जबरदस्त पावर है। आप जब बार बार नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, बार बार ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? जहर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 85% डिजीज, 75% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, मन से रिलेटेड है। तो क्या करना है? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो क्या करना है? पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। एक टेक्निक यूज करना है जिसका नाम है क्राफ्ट, क्राफ्ट टेक्निक, सी फॉर चेंज। कोई नेगेटिव थॉट आता है तो सबसे पहले उसे सी फॉर कैंसिल करेंगे, कैंसिल। यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, आर फॉर रिप्लेस करेंगे उसे, आर फॉर रिप्लेस, सी फॉर कैंसिल। मन में कमांड देना है कैंसिल, कैंसिल। नेगेटिव थॉट आ रहा है तो कैंसिल कमांड देंगे, और फिर भी नहीं जा रहा है तो उसको रिप्लेस कमांड देंगे, रिप्लेस में पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। जैसे एक गंदे पानी का एक बहुत बड़ी बाल्टी भरी हुई है और आप उसे फेंक नहीं पा रहे हैं और आपको उसमें अच्छा पानी भरना है, तो क्या करेंगे? अच्छा पानी चालू कर देंगे, गंदा पानी अपने आप कुछ समय के बाद निकल जाएगा। तो आप ऐसा यदि सोचे कि मेरा नेगेटिव थॉट बंद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कहूंगी बंदर के बारे में नहीं सोचो, 1 मिनट के लिए चलिए अभ्यास करिए कि बंदर के बारे में नहीं सोचो, तो बंदर पहले आएगा, सिर में बैठ जाएगा, बंदर बाजू में रहेगा, बंदर यहां रहेगा। तो भगवान कहते हैं नेगेटिव, हमारे संस्था के जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है परम श्रद्धे राजी गुलजार जी कहते हैं कि आपको नेगेटिव को स्टॉप नहीं करना है, पॉजिटिव को शुरू कर देना। यू विल हैव टू चैनलाइज द थॉट, वेरी पावरफुल टेक्निक, जस्ट चैनलाइज द थॉट। आप पॉजिटिव शुरू कर दीजिए, नेगेटिव अपने आप बंद हो जाएगा। अधिकतर लोग नेगेटिव को स्टॉप करने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। कुछ हो सकता है? नेगेटिव स्टॉप हो सकता है? नहीं होगा। पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली नेगेटिव स्टॉप हो जाएगा। सेकंड फॉर रिप्लेस, ठीक है। ए फॉर अफर्मेशन। सुबह सुबह आप मॉर्निंग में जब अमृत वेली उठा जाता है, जैसे अमृत वेली आपको बताया जाएगा यहां पर कि अमृत वेली क्या है, जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो सुबह का जो मेडिटेशन होता है, जैसे आप उठते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेगा। कहते हैं ना सुबह सुबह जिसका चेहरा देख लीजिए, जिसका चेहरा हम देखते हैं वैसा हमारा पूरा दिन में वो फील हमें आता है, वो हमें हमारा व्यवहार हो जाता है। तो हमें क्या करना है? सुबह सुबह महसूस करना है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है कि परमात्मा गुड मॉर्निंग, गॉड गुड मॉर्निंग, जिसको हम प्यार से ऑफिशियली नाम नहीं लेते हैं, है ना। आप जैसे
विश्वेश्वर महादेव ही नहीं, हम प्यार से परमात्मा को बाबा बोलते हैं। एक बार सभी बोलिए मेरा बाबा, बोलिए मेरा बाबा। इसी प्रकार हमारे आत्मा के पिता है परमात्मा, इनको शिव परमात्मा कहते हैं, उन्हें हम यदि प्यार से इस फील के साथ बाबा बोलते हैं तो वो फील उनको टच होता है, वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, वो पावर हमारे पास आएगी। और ऑफिशियली लेंगे तो ऑफिशियली भगवान तो प्यार की भाषा समझता है, तो हमें प्यार से क्या बोलना है कि मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, मेरे बाबा गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद में 5 पॉजिटिव थॉट देना है कि मैं सफलता मूर्त हूं, ठीक है, आई एम अ विक्टोरियस, मैं सफलता मूर्त हूं, मैं विजयी रतन हूं, मैं महान हूं, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं निर्विघ्न हूं। ऐसे 5 पावरफुल थॉट ले लीजिए, ठीक है, 5 पावरफुल थॉट आपको जो अच्छे लगे वो ले लीजिए, ठीक है, और आप उसके बाद में महसूस करेंगे कि पूरा दिन वो पावरफुल थॉट आपको ड्राइव करेंगे। उसके बाद आप मेडिटेशन करिए, 30 मिनट मेडिटेशन। एक बार आपने 30 मिनट मेडिटेशन कर लिया, कहते हैं 1 मिनट यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, 1 मिनट यदि आप खुश रहते हैं तो 1 घंटा खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप 1 मिनट खुश रहते हैं, 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं तो 1 घंटा तक पॉजिटिव रहेंगे। आप 1 मिनट नेगेटिव है तो अगले 1 घंटा डेफिनेटली आप नेगेटिव रहेंगे। तो आप सुबह यदि आपने 30 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो आपकी बैटरी दिन भर के लिए चार्ज। फिर उसके बाद में आया क्या आएगा, एफ, एफ फॉर फोकस। फोकस किसके ऊपर करना है, फोकस करना है आपको एक टारगेट के ऊपर, ठीक है, एक टारगेट के ऊपर, परमात्मा के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ के ऊपर फोकस करना है, यहां वहां फोकस नहीं करना है। हमने अधिकतर क्या किया है, हम जहां होते हैं पर वहां होते नहीं है, जहां होते हैं पर वहां होते नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली कहीं और होते हैं। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है WCM। सबसे पहले जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, फोकस करने के लिए जब मेडिटेशन में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, एक टेक्निक यूज करना है WCM, वॉच करना आपका माइंड कहां है, वॉच करिए, देन उसको कैच करिए और देन मेडिटेशन में मैच करिए, परमात्मा में मैच करिए, मेडिटेशन में मैच करिए। अदरवाइज यू आर फिजिकली प्रेजेंट, जैसे कि आप परमात्मा के सामने बैठे हैं और परमात्मा को कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो अभी आप क्या कह रहे हैं, माउथ से ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, आपके माइंड ने समझ लिया कि ये सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है, माइंड ने वो कमांड को रिसीव कर लिया, तो माइंड क्या करता है वहां से कहीं और घूमने चला जाता है। अब आपने मुख आपका चालू है, आपका माउथ चालू है ओम नमः शिवाय, तो माइंड से क्या थॉट आता है, सब्जी लेनी है, ओम नमः शिवाय, टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा, साज भी कभी बहू थी, ओम नमः शिवाय, और थॉट आ रहे हैं। यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली योर माइंड इज वॉन्डरिंग। पावर आएगी, माइंड पावर आएगी या माउथ पावर आएगी, ठीक है, और आप परमात्मा को कह रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूं, ठीक है, परमात्मा को, जैसे सपोज भाई साहब मैंने आपको कहा नमस्कार, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, फिर से कहा नमस्कार, क्या कहेंगे, फिर से कहा नमस्कार, क्या कहेंगे, पर चौथे बार में आपके माइंड में ख्याल आएगा ना, भाई साहब क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। परमात्मा को हम बार बार कहते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ओम नमः शिवाय, परमात्मा कहे अंदर से उनके थॉट आता होगा बच्चे आगे तो बोलो। हम क्या करते हैं, परमात्मा को ऑफिशियली हमने नमस्कार कर दिया और बस हमारा काम पूरा हो गया, उनसे दिल की बात करना है। दिस इज द टू वे मेडिटेशन, दिस इज द माइंड पावर, दिस इज द मेडिटेशन ऑफ, मतलब जो राजयोगा मेडिटेशन इज द टू वे मेडिटेशन, मतलब हम ही परमात्मा से कुछ बात करते हैं, परमात्मा भी हमसे कुछ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने माउथ से बोल दिया, चैंटिंग कर दिया और हमारा माइंड कहीं घूम रहा है, तो पावर नहीं आएगी, इसलिए हम लो फील करते हैं, ठीक है। और टी फॉर ट्रेनिंग, 21 दिन तक इसको प्रैक्टिस को करना है, जो मैं आपको ट्रेनिंग बताया है उसको 21 दिन तक करना है। कहते हैं जिस ट्रेनिंग को आप 21 दिन तक कर लेते हैं, 21 डेज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में राइट प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। दूसरी बात कि हमने क्या किया है, आज जो पूरी जो दुनिया है, आज पूरी कायनात एम शब्द के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से एम शब्द के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। आज मैन के लिए कॉलेज है, मनी के लिए कॉलेज है, मशीन के लिए कॉलेज है, मटेरियल के लिए कॉलेज है, फाइनेंस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज देयर, बट इन सब एम को मैनेज करने वाला जो एम है वो क्या है, इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कोई बूस्टिंग नहीं दी जा रही, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। बट आप बहुत बहुत लकी है, बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहुत बहुत लकी है, यहां आने के लिए बहुत ऊंचे भाग्य की आवश्यकता होती है, यहां आने के लिए परमात्मा के घर में आने के लिए बहुत ऊंचे भाग्य की आवश्यकता होती है। जो आप जिस विद्यालय में आए हैं, जिस संस्थान में आए हैं, जिस भगवान के घर में आए हैं,
यहां पर सिखाया जाता है कि माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए, माइंड को कैसे सशक्त किया जाए, माइंड को कैसे एम्पावर किया जाए। तो आप बहुत लकी हैं जो आपको परमात्मा ने चुना। यू आर नॉट इलेक्शन वाले नहीं है, आप सिलेक्शन है, परमात्मा की सिलेक्शन है। तो आप अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे कि आपको परमात्मा ने चुना है। इंडिया में बहुत सारे लोग थे पर आप परमात्मा की चॉइस है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो आप जो विद्यालय में बैठे हैं उस विद्यालय में माइंड की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप राजयोगा मेडिटेशन से अपने माइंड की राइट प्रोग्रामिंग कर लीजिए, आप लाइफ में कोई भी बात को अचीव कर पाएंगे। हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, करते हैं सभी मोबाइल को चार्ज, सभी मोबाइल को चार्ज करते हैं। बोलेंगे सर कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉमन सेंस। ओके, हम अपने बॉडी को भी चार्ज करते हैं भोजन के द्वारा, गाड़ी को भी चार्ज करते हैं पेट्रोल के द्वारा, बट क्या हम अपने माइंड को चार्ज करते हैं? कौन कौन अपने माइंड को चार्ज करता है, रेज योर हैंड। अब बोलेंगे सर मैं सोता हूं तो मेरा माइंड चार्ज होता है, सोने के बाद जो सपने देखते हैं तो और डिस्चार्ज होता है, सोने से कोई माइंड चार्ज नहीं होता है। तो माइंड को चार्ज कैसे करेंगे, इसके लिए एक और एम है, विद द हेल्प ऑफ दैट एम वी कैन चार्ज अवर माइंड। वो कौन सा है? राजयोगा मेडिटेशन। ठीक है, उस एम के थ्रू अपने माइंड को चार्ज कर सकते हैं। कहते हैं एक बार, एक छोटी सी स्टोरी से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक बार एक लकड़हारा था और एक बिजनेसमैन था, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इतनी इतनी लकड़ियां काटनी है, 100 लकड़ियां काटनी है, 50 लकड़ियां काटनी है। लकड़हारा पहले दिन सिर्फ 1 घंटे मेहनत करता है, ध्यान से सुनिएगा आपको आंसर करना है, 1 घंटे मेहनत करता है और 1 घंटे में वो 50 लकड़ी काटता है। दूसरे दिन वो 10 घंटे मेहनत करता है, 10 घंटे में वो 10 लकड़ी काटता है। तीसरे दिन वो 20 घंटे मेहनत करता है, 20 घंटे में वो 3 लकड़ी काटता है। और चौथे दिन वो मेहनत ही करते रहता है, दिन भर मेहनत करता है, बेहाल हो जाता है, बट एक भी लकड़ी नहीं काट पाता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण है? एक्चुअल में क्या हुआ, उसने कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं किया। अब वो लकड़हारा बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है मैंने जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क पहले दिन किया था उससे 4 times hard work मैंने 4th day में किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, इनपुट इतना जबरदस्त, आउटपुट नहीं आ रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो बिजनेसमैन कहता है क्या आपने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? तो लकड़हारा कहता है मेरे पास लकड़ी काटने का टाइम है पर कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का टाइम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बोलिए, जोर से बोलिए, मूर्ख कहा जाएगा। मैं अक्सर प्रोग्राम में और राजयोगा मेडिटेशन के जितने भी प्रोग्राम हमारी बहनें, टीचर्स, भाई जितने भी हैं ब्रह्मा कुमारी से संबंधित स्पीकर, वो अक्सर बोलते हैं कि आप मेडिटेशन कर लीजिए और अपनी मन रूपी एक्स को, मन रूपी कुल्हाड़ी को तेज कर लीजिए। आप किसी भी जीवन में, आपके जीवन में जो भी समस्या रूपी पेड़ है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको कट कर पाएंगे। यदि आप एक स्क्वायर में खड़े हैं और गाड़ियां चारों तरफ से 100 की स्पीड में आ रही हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक है, हमारे माइंड में एक दिन में 80,000 थॉट आ रहे हैं, 60,000 थॉट आ रहे हैं, और भी बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, और कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई, माइग्रेन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियां हैं सब थॉट के नेगेटिव होने से होती है। और जब जो पॉजिटिव थॉट होते हैं वो कम होते हैं और नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, थॉट की क्वांटिटी को, मेडिटेशन क्या है, राजयोगा मेडिटेशन क्या है, थॉट की क्वांटिटी को कम करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। दिस इज द सीक्रेट, क्वांटिटी को कम करिए और क्वालिटी को बढ़ाइए। तो हमें इस चीज को ध्यान से, बहुत ही इस चीज को अपने जहन में उतारना है। दूसरी बात, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइंड क्या है। मेडिटेशन करने के लिए माइंड को समझना पड़ेगा। माइंड कैसे काम करता है? माइंड काम करता है एक बच्चे के जैसा। ठीक है, माइंड काम करता है एक बच्चे के जैसा। बच्चे को यदि बताया नहीं गया कि यहां एक सेशन चल रहा है, यहां एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, सतानी कर सकता है, लैपटॉप को बंद कर सकता है, प्रोजेक्टर को बंद कर सकता है, कैमरे को बंद कर सकता है। पर उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी गई, उसको एक कमांड दे दी गई कि आपको शांत बैठना है, तो बच्चा क्या करेगा? शांत बैठेगा, नहीं बैठेगा? यस और नो? शांत बैठेगा। हमारा माइंड भी क्या है? बच्चा है। आपने उसको बताया ही नहीं क्या करना है, तो माइंड क्या करेगा? यहां भागेगा, वहां भागेगा, वहां लेके जाएगा, 1 मिनट में अमेरिका, दूसरे मिनट में चाइना, यहां वहां भागते रहेगा। आपको क्या करना है? आपके माइंड को कमांड देना है। यदि आपके आप किसी बच्चे के हाथ में चाकू है और आपको उससे चाकू लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? चॉकलेट देना पड़ेगा, चॉकलेट देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके माइंड में नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव थॉट रूपी चॉकलेट देना पड़ेगा। सपोज आप कहीं बैठे हैं, अभी आप यहां पर सेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन आता है और कहता है कि मैडम चलिए 2 मिनट के लिए बाहर चलिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम इतनी दूर इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, हम नहीं जाएंगे।
उस व्यक्ति का माइंड आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा, वो आपको पकड़ कर तो नहीं लिखा जाएगा, वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा तो मानेगा कि नहीं मानेगा, यस और नो? मानेगा। जब उस व्यक्ति का माइंड आपकी बात मान सकता है तो आपका माइंड आपकी बात मान सकता नहीं मान सकता, मान सकता नहीं मान सकता। बट यदि हमने कमांड ही नहीं दिया अपने माइंड को, ऐसे ही खुला छोड़ दिया है तो क्या होगा, माइंड हमें कंट्रोल करेगा। जब आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो सबसे बड़ा दोस्त है। तो मेक योर माइंड बेस्ट फ्रेंड। द्वापर युग से आज तक क्या होते आया कि हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल किया, हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल किया, पर हम अब सीख रहे हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। कैसा एक दृश्य कैसा होगा कि राजा, राजा पीछे बैठा है, उसके सामने सारथी और सारे घोड़े सामने, ठीक है? सीक्वेंस क्या है, पीछे गद्दी में राजा, देन सारथी एंड देन घोड़े, इधर इट इज द राइट सीक्वेंस। तो राजा जो है वो है आत्मा, सोल, एनर्जी, स्प्रिट, रूह, वो है आत्मा राजा। उसके सामने माइंड क्या है, सारथी है, और घोड़े हैं वो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक मुंह कान, ठीक है? आत्मा ने ऑर्डर दिया मन को, चलो भाई आप आगरा के बारे में सोचो, सभी आगरा के बारे में सोचिए, आगरा में क्या दिखाई दे रहा है? चलो आप लाल किले के बारे में सोचिए, क्या कमांड दिया, लाल किला, लाल किला कहां है? चलिए आप माउंट आबू के बारे में सोचिए, तो माउंट आबू में क्या दिखाई देगा, ब्रह्म कुमारी संस्थान का हमारा एक ज्ञान सरोवर, हार्मनी हॉल। तो आत्मा ने कमांड दिया माइंड को, माइंड ने कमांड दिया इंद्रियों को, या माइंड ने, हमारे माइंड ने विजुलाइज किया। अब आत्मा ने कमांड दिया माइंड को कि हाँ लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर करिए, मान रहा है नहीं मान रहा है? पूरी कर्मेंद्रिया जो आपके घोड़े हैं वो मान रहे हैं नहीं मान रहे, मान रहे। राइट हैंड को ऊपर करिए कमांड दिया। अभी क्या हो गया, अभी हो गया उल्टा, माइंड ने क्या किया, आत्मा को नीचे बिठा दिया, ठीक है? आत्मा को धक्के मारकर सारथी की पोजीशन में बिठा दिया और खुद बैठ गई वहां सीट में। अब ठीक है, माइंड ने क्या किया है, आत्मा को धक्के मार के सारथी की पोजीशन में बिठा दिया है और खुद माइंड बैठ गया है सीट में, और माइंड अब कमांड दे रहा है, मुझे ये चीज पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे नेगेटिविटी पसंद है। वो नेगेटिविटी में जो उसको अल्पकाल का सुख मिलता है, जो उसे रस मिल रहा है भौतिकता से, उसके पीछे वो भागता है और आत्मा को वहीं वहीं दौड़ाता है, उसके अकॉर्डिंग कर्मेंद्रियां भाग रही है। तो राजयोगा मेडिटेशन से हमें क्या करना है, आत्मा को उसकी सीट वापस देनी है, ठीक है? किसको देना है, आत्मा को उसकी सीट वापस देने की। हम एक्चुअल में हम प्रोग्रामर है, हम इसके संचालक है, ठीक है? यदि हमने ऐसा, यदि हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हम अपने माइंड पावर को 10% यूज करते हैं। जब हम समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं, स्पिरिट हूं, तो हम जो परमात्मा है उससे कनेक्ट होते हैं, और परमात्मा के पास पावर कितनी है, कितनी पावर है, अनलिमिटेड पावर है। तो आप उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यू कैन यूज 100% योर माइंड पावर। बट जब आप अपने आप को बॉडी समझते हैं, तो आप यू कैन यूज ओनली 10% ऑफ योर माइंड पावर। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत सुंदर क्लिप है जिसमें इन्होंने अपने माइंड पावर को कैसे बूस्ट किया, इन्होंने अपने राइट प्रोग्रामिंग से, राइट एनर्जी से अपने आप को कमांड दी, और आज ये बहुत टॉप लेवल में है। को अपने जीवन में आने नहीं दिया, मेडिटेशन से अपनी राइट प्रोग्रामिंग की, राइट कमांड दिया। ये सभी के लिए एक बार क्लैप करेंगे, जोरदार क्लैप करेंगे। हम हमेशा कहते हैं मेरे पास सही नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट इन्होंने मेडिटेशन से अपनी राइट प्रोग्रामिंग की, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना। Hagrid.
के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। 30 मिनट मेडिटेशन रेगुलर करना है। ओके, ओम शांति।